वंदे मातरम माय डियर स्टूडेंट, टुडे आई विल टीच यू एक्सरसाइज 8.2 पार्ट थर्ड क्वेश्चन नंबर 4। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज 15,500 एंड ₹450 वेर स्पेंड ऑन इट्स रिपेयर। एक आर्टिकल जिसका प्राइस कितना है 15,500 एंड रिपेयर, उस पर रिपेयर में कितना पैसा लग जा रहा है 450। इफ़ इट इज़ सोल्ड फॉर प्रॉफिट ऑफ 15%, अगर वो उसे 15% प्रॉफिट के साथ में सेल करता है तो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो आपको आर्टिकल की सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 4, द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, ठीक है, कितना प्राइस है आर्टिकल का, प्राइस है उसका 15,500, ठीक है। देन उसमें क्या कर रहा है, वो रिपेयर भी कर रहा है, रिपेयरिंग कॉस्ट, उसका रिपेयरिंग कॉस्ट कितना है, उसका रिपेयरिंग कॉस्ट है उसका 450, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा उसका, तो टोटल कॉस्ट हो जाएगा उसका, देखो 15,500 और ये आपका 450, ठीक है। इन दोनों का हम लोग प्लस कर लेते हैं, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 549, ठीक है। 15,950 इसका टोटल कॉस्ट हो गया उस आर्टिकल का, ठीक है। अब क्या कर रहा है उसको, वो प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने प्रॉफिट के साथ में उसे वो बेच रहा है, 15% प्रॉफिट के साथ में उसे वो बेच दे रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, 15% ऑफ 15,950 का 15% निकाल लेंगे, तो 15% मीन्स कितना हो जाएगा, 15/100 ये मल्टीप्लाई और 15,950, ठीक है यहाँ पर। ओके, जैसे आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, ठीक है, तो किससे करेंगे हम लोग, देखो 5 3 हो गया 15 और ये हो गया आपका 20, ठीक है। ये 0 से 0 तो गया आपका, ठीक है, यहाँ तक के। अब आप क्या करोगे, 3 × 159, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 3 × 159/2, ठीक है। इससे जैसे आप सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे और जो भी आंसर आएगा उससे 2 से डिवाइड करोगे, तो आपका जो आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ₹2392.50, ठीक है, ये आपका आंसर बन जाएगा 2392.50, राइट। देन हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, सेलिंग, द सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, तो द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है, वो कितने हो जाएंगे भैया, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो इसकी प्राइस कितनी थी, उसकी प्राइस थी रुपीज़, ये उसकी प्राइस थी, और उसे जो है प्रॉफिट, कितने प्रॉफिट में वो बेच रहा था, वो उसे बेच रहा था ₹2392.50 प्रॉफिट लगा के उसे बेच रहा था। तो ये कितने का प्रॉफिट हो गया उसको, ये हो गया टोटल, अगर आप इसका करोगे तो ये हो जाएगा 18,342.50, ठीक है। तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी आएगी हमारे पास में, 18,342.50, राइट। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अ वीसीआर एंड टीवी वेयर बाउट फॉर 8,000 ईच, ठीक है, मतलब वीसीआर का प्राइस भी 8,000 है और टीवी का प्राइस भी कितना है 8,000। दो शॉपकीपर मेड अ लॉस 4% ऑन वीसीआर, मतलब वीसीआर पर उसको 4% का लॉस हो रहा है, एंड प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन टीवी, और टीवी पर 8% का प्रॉफिट हो रहा है, तो फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। तो इस पूरे ट्रांजेक्शन में इसको क्या फ़ायदा हो रहा है या नुकसान, वो मालूम करना है, और कितने परसेंट का हो रहा है वो भी मालूम
यहाँ से हमें करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, तो सबसे हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ या कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ VCR, ठीक है, VCR का कॉस्ट प्राइस कितना है 8000, ठीक है। और इस पर क्या हो रहा है, उसे लॉस हो रहा है, ठीक है, कितने का लॉस हो रहा है 4% का। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो 4% ऑफ 8000 का 4% हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो 4% इट मीन्स कितना हो जाएगा, 4/100 मल्टीप्लाई बाय 8000, ठीक है, ये 2 0 से 2 0 आप काट दो, ठीक है, तो ये बच गया 80 × 4, मतलब कितना हो गया 320, ठीक है। इट मीन्स 320 का क्या हो रहा है, उसे नुकसान हो रहा है, ठीक है, तक के। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस, SP मतलब क्या होता है आपका, सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ VCR कितना है 8000, उस पर लॉस हो रहा है 4% का, तो 4% ऑफ 8000, उसका 8000 का 4% मतलब 4/100 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 320। तो सेलिंग प्राइस, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ VCR, तो VCR का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा, देखो भाई, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, ठीक है ना। तो आपने ख़रीदा कितने का था उसको, आपने ख़रीदा था उसको 8000 का, उस पर आपको लॉस हो गया कितने का, 320 का, उस पर लॉस हो गया आपको, राइट है। तो 8000 माइनस 320, तो ये कितना हो जाएगा आपका 7680, ठीक है। आप ये तो हो गए VCR में लॉस की बात, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, लिखना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस ऑफ TV, भाई TV का कॉस्ट प्राइस कितना था, उसका प्राइस भी तो 8000 था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था, उसे प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ पर क्या हो रहा था, उसे प्रॉफिट, अब प्रॉफिट कितने का हो रहा था, वो भी 8% का। तो हम लोग क्या करेंगे, 8% ऑफ 8000, ठीक है, इसका 8% निकाल लेंगे। तो जैसे आप इसका 8% निकालोगे तो 8/100 मल्टीप्लाई बाय 8000, ये 2 0 से 2 0 तो गए, और 80 × 8 मतलब कितना हो गया आपका, वो हो गया आपका 640, ठीक है। तो यहाँ पर रुपीस लगा दूँ मैं, तो आपको क्या हुआ कि 640 का प्रॉफिट होगा, किसके ऊपर, TV खरीदने पर। तो सेलिंग प्राइस ऑफ TV, ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ TV वो क्या हो जाएगा, देखो, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यहाँ पर आपको प्रॉफिट भी तो हो गया ना, ठीक है। तो ये कितने का था भैया, आपने 8000 का तो परचेस किया था, 640 का आपको इसके ऊपर प्रॉफिट हो गया, तो टोटल कितना हो गया आपका, वो 8640, ठीक है, बराबर है यहाँ तक के। अब इस पूरे होल ट्रांजेक्शन पे आपको कितने का प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ TV एंड VCR, ठीक है, आपका TV भी 8000 का था और VCR भी 8000 का था, ठीक है। तो ये दोनों कितने हो गए, टोटल मिला के 16000 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टोटल, ठीक है, तो टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ TV एंड VCR, ठीक है, TV एंड VCR, ठीक है, टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ TV एंड VCR। तो देखो, TV मैंने कितने में बेचा, TV का प्राइस था, ये देखो यहाँ पर लिखा है ना, 8640, तो 8640 ये TV का प्राइस, और VCR मैंने लॉस में बेचा था, तो उसका प्राइस कितना था, उसका प्राइस देखो, उसका प्राइस था ये 7680, ठीक है, यहाँ तक के। तो यहाँ मैं लिख दूंगा उसे भी 7680, ठीक है, यहाँ तक के।
इन दोनों का टोटल कर लेंगे, ये कितना लिखा है मैंने 8640। ओके, ये ज़ीरो का ज़ीरो हो गया, ये फोर और एट ट्वेल्व का टू राइट है, तक के वन केरी, तो ये सिक्स थर्टीन है ना, ट्वेल्व और वन केरी थर्टीन, वन केरी हो गया फिर से, तो ये हो गया सिक्सटीन, तो 16320 ठीक है, बराबर है। तो यहाँ पर भी मुझे क्या हो गया है, प्रॉफिट हो गया है, तो यहाँ लिख दूंगा मैं प्रॉफिट। ठीक है, देखो प्रॉफिट मतलब कैसे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये प्रॉफिट का फॉर्मूला है। तो सेलिंग प्राइस कितनी हमारी, देखो 16320 और ख़रीदा कितने पे था हमने, 16000 में ख़रीदा था, तो कितने का प्रॉफिट हो गया हमको यहाँ पर, हमको प्रॉफिट हो गया यहाँ पर 320 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%, ये प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला है। आपको प्रॉफिट कितने का हुआ, 320 का प्रॉफिट हुआ, आपने परचेस कितने में किया था उसको, 16000 में परचेस किया था, ठीक है तक के। देखो ये 20 से 20 तो आपको जाने वाला है, ठीक है, और ये 320 और ये 160 है ना, तो 160 और ये टू टाइम में जाएगा, तो कितना बचेगा आपके सामने, 2%, कितना 2%, इट मीन्स आपको पूरे होल ट्रांजेक्शन के ऊपर 2% का प्रॉफिट हुआ है, राइट। एंड आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड, एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। वंदे मातरम।